हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनकोर सीरीज चैनल पर। क्या दोस्तों आप भी परेशान हैं अपने जीमेल अकाउंट्स पर आने वाले बेकार और फालतू मेल से? क्या दोस्तों आपके पास भी आते हैं प्रमोशन मेल्स, जॉब मेल्स और कंपनी द्वारा सजेस्टेड जीमेल्स? तो दोस्तों अगर आप इन सभी बेकार और फालतू मेल्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं या फिर अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें जीमेल अकाउंट्स पर आने वाले बेकार और फालतू मेल्स को बंद करने के लिए हमें अपने जीमेल ऐप पर चलना होगा। दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें जीमेल ऐप दिखाई दे रहा है, हमें इसे सिंपली ओपन करना है। अब दोस्तों हम जीमेल ऐप वाले इंटरफेस पे पहुँच चुके हैं। अब हमें ऊपर दिख रहे सर्च मेल के बगल में आई आइकन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पर दोस्तों हमें ऑल इनबॉक्सेस को छोड़कर तीन ऑप्शन प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन पर ध्यान देना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर प्राइमरी वाले ऑप्शन पर सबसे पहले चलते हैं। और दोस्तों अब आप यहाँ तक देख सकते हैं कि हम मैं जितना भी इसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर उतनी ही मेल्स आती जा रही हैं। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जितनी भी ब्लैक हाइलाइटेड मेल्स हैं उन्हें मैंने आज तक नहीं पढ़ा क्योंकि ये मेरे किसी भी काम की मेल्स नहीं हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जितनी भी ये वाइट वाइट मेल्स हैं दोस्तों, ये दोस्तों मेरे काम की मेल्स थी तो मैंने इन्हें पढ़ रखा है। अब दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी एक कंपनी की मेल्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें सिंपली उस पर टैप करना होगा। मान लीजिए मैं दोस्तों यहाँ पर फ़ोनपे की मेल्स को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ तो दोस्तों मैं इस पर टैप करता हूँ। और दोस्तों अब हमें वेट करना है जब तक कि ये पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है। दोस्तों ये अब खुल चुका है, हमें सिंपली इसके सबसे नीचे जाना होगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है इफ़ यू डोंट विश टू रिसीव एनी फर्दर कम्युनिकेशन प्लीज क्लिक है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर आप यहाँ पर इसकी मेल्स को आगे रिसीव नहीं करना चाहते हैं, आप इसकी मेल्स को मतलब बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करें। अब दोस्तों हमें वेट करना है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर खुल चुका है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है अनसब्सक्राइबिंग फ्रॉम आर मेलिंग लिस्ट, मतलब इसको अपनी मेलिंग लिस्ट से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप यहाँ से। दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं नीचे लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट रीजन, तो दोस्तों मुझे इस पर टैप करना है। और दोस्तों आप यहाँ पर इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर दीज द ईमेल्स आर स्पैम एंड शुड बी रिपोर्टेड, मैं इसे सेलेक्ट करके अनसब्सक्राइब वाले बटन पर टैप कर देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है कि इस मेल से हैज़ बिन सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब टू आर मेलिंग, मतलब इसकी मेल हमेशा के लिए अब बंद हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब हमें सिंपली बैक हो जाना है। और दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर बैक हो चुका हूँ, अब इसकी मेल्स आज के बाद नहीं आएंगी इस जीमेल अकाउंट पर। अब दोस्तों अब ऊपर दोबारा हम सर्च मेल वाले ऑप्शन के बगल में आई आइकन वाले ऑप्शन पर चलते हैं। और दोस्तों अब हमें सोशल वाले ऑप्शन चलना है जहाँ पर दोस्तों वो मेल्स होती हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेल्स पाई जाती हैं, तो दोस्तों हमें इस पर टैप करना है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक की मेल्स हैं, इंस्टाग्राम की मेल्स हैं और दोस्तों यहाँ पर ट्विटर की भी मेल्स आपको मिल जाती हैं, मतलब कि आपको दोस्तों यहाँ पर सोशल मीडिया वाली ऐप मेल्स मिलती हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम वाली मेल्स को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं इसे खोलने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों नीचे यहाँ अंडरलाइन करके लिखा हुआ है अनसब्सक्राइब और रिमूव योर ईमेल फ्रॉम दिस अकाउंट, मतलब कि दोस्तों आप अपनी ईमेल को इस अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं और आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अनसब्सक्राइब वाले पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर कुछ, और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्लिक हो चुका है और ये खुल भी गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये मैनेज ईमेल प्रेफरेंस और रीसब्सक्राइब के दिख रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ऊपर लिखा है गॉट इट यू हैव अनसब्सक्राइब फ्रॉम इंस्टाग्राम से रिमाइंडर ईमेल्स, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप इस अनसब्सक्राइब कर चुके हैं इंस्टाग्राम रिमाइंडर ईमेल्स को। तो दोस्तों अगर आप इसे दोबारा से रीसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर रीसब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर आप
प्रेफरेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे रिसब्सक्राइब नहीं करना, मैं दोस्तों यहाँ पर बैक हो जाता हूँ, और अब दोस्तों मुझे इसकी मेल्स दोबारा कभी नहीं आएंगी। अब दोस्तों चलिए हमारे तीसरे ऑप्शन प्रमोशन पर चलते हैं, जहाँ पर हमें कंपनी द्वारा सजेस्टेड मेल्स, एडोब और क्रेडिट रिपोर्ट बैंकिंग मेल्स पाई जाती हैं। तो दोस्तों चलिए हम प्रमोशन पर टैप करते हैं, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एडोब की एंजल ब्रोकिंग, क्रेडिट रिपोर्ट, फ्री सिविल, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी मेल्स मिल रही हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पर एडोब की मेल्स को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एडोब पर क्लिक करूँगा, और दोस्तों ये प्रोसेसिंग के बाद ये खुल गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और दोस्तों ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये खुल जाता है। और दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सबमिट के नीचे लिखा है टू स्टॉप रिसीविंग ऑल मार्केटिंग ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम एडोब सिस्टम, मतलब कि दोस्तों एडोब सिस्टम से आने वाली आप सभी कम्युनिकेशन ईमेल को रोकने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और दोस्तों देखिए अब आपके यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, तो आपको दोनों पर टिक कर लेना है, और दोस्तों यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों देखिए अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है यू आर नाउ अनसब्सक्राइब, मतलब कि आप इसे अनसब्सक्राइब कर सक चुके हैं। तो दोस्तों अब आपके पास कभी भी इसकी तरफ से मेल्स नहीं आएंगी। तो दोस्तों ये अब पूरी तरीके से एडोब वाले सिस्टम से हट चुकी है ये मेल। तो दोस्तों आप सिंपली बैक हो जाते हैं, और दोस्तों दिख रहे हैं बाकी सभी ऑप्शंस ये आपके लिए वो ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा आप अपनी मेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था जिसकी सहायता से आप अपने मेल्स को किसी भी कंपनी या फिर ब्रांड के मेल से डिसकनेक्ट कर सकते हैं या फिर अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियोज तुरंत मिल सकें। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में।